व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है रितु और अर्शी। आई थिंक मैंने अभी ब्लॉग डाला है, वो लोग शायद ब्लॉग देख रहे हैं। काम वाली दीदी हमारी आज तो छुट्टी पे, क्योंकि उनको थोड़ा सा फीवर हो रहा था। हमने दीदी आप ठीक हो जाओ पूरा, उसके बाद आना। और तो ब्रेकफास्ट के बाद थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो मुझे लगा वो मैं कर देता हूँ, निपटा देता हूँ। रितु के पास आजकल बहुत सारा काम होता है, पूरा घर वो अकेले समेटती है, तो थोड़ी बहुत हेल्प चलती है। उल्टी साइड से देख रही थी, उसको लग रहा है कि मैं फिर चुप गई हूँ। अरे मम्मा फिर से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे है, यहीं पे है। क्वेश्चन फॉर यू, इफ यू आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और मान लो आप घर बेच रहे हो, जो खरीदार आपको उसको जरूरी पता नहीं कि भाई इस घर में ये दिक्कत है या बहुत बड़ी चीज है, बट यू रिमेन साइलेंट, उसने पूछा नहीं तो आपने बताया नहीं, विल इट कम अंडर फ्रॉड और नो? तो आपने बेच दिया, थिंक घर है मान लो 10 करोड़ का घर है, हवेली है, तो सारी लाइबिलिटी सेलर की नहीं होती, बायर की भी होती है। उसको भी थोड़ा देख के पूछना चाहिए, इंस्पेक्ट करके लेना चाहिए। सारी लाइबिलिटी आप सेलर पर कैसे कर सकते हो? सो अगर उसने पूछा तो फिर आप चुप रहे तब आ सकते हो, बस पूछा ही नहीं आप चुप रहे तो नहीं आएगा। नाउ यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग, आई हैव इंक्रीज्ड योर ज्ञान। एग्जाम यही होता है, एग्जाम यही होता है। अभी इसके पूछ पे पैर रख देता मैं, अब तुम टेबल के नीचे बैठो, पूरा शरीर अंदर लेके बैठो, पूछ बाहर निकाल के बैठा हुआ। अभी आई वाज अबाउट टू कीप दिस गाइस, हो जाता है इसका फिर चाहे चाहे चाहे। पीछे पूंछ आपकी टेबल से बाहर निकली है, कृपया उसको अंदर ले ले महाराज जी। हाँ, अरे क्या खा रहे हो? अरे रितु, हमारी कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट खा गया, ये ले, कल लगवा के लाए थे ना, ये ले, हो गई कोविड। ये देखो, सही में हमारे कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट थे भाई। रितु आजकल बहुत ज्यादा दर्द में, इसको सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे बाटे चढ़ जाते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा बाटा क्या होता है, मुझे नहीं पता था, बट क्रैम बेसिकली। तो इसको इस एरिया में, टांग में, इस एरिया में पूरा क्रैम चढ़ जाता है। अभी मान से गया था, इतने बर्तन फिर हो गए, लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ कैसे चढ़ गई फुटपाथ पे? कोई यहाँ पे छोड़ गया उसको गाड़ी को? पीछे फुटपाथ पे एक गाड़ी चढ़ी हुई थी, एंड देयर इज नो वे कि उसको आप नॉर्मली चढ़ा सकते हो, कि गाड़ी को छोड़ गया वहाँ पे। और यूजुअली ऐसी गाड़ी इसलिए छूटी होती है क्योंकि क्राइम करके फिर गाड़ी छोड़ जाते हैं। एक बार हमारे दिल्ली में नीचे जो रहते थे उनकी गाड़ी चोरी हो गई, पुलिस रिपोर्ट दिखाई और 3 महीने बाद गाड़ी मिल गई, विच इज वेरी अनयूजुअल, चोरी का सामान यूजुअली नहीं मिलता है। लेकिन जब उनको गाड़ी मिली तो पुलिस ने उनको फोन किया, तो घर के आस मतलब मोहल्ले के कहीं गली में खड़ी हुई थी पीछे। एंड व्हेन आई टॉक टू दैट भैया जिनकी गाड़ी थी, कहते हैं भैया उसके बाद तो मेरा गाड़ी चलाने का मन ही नहीं हुआ, गाड़ी में सरिया मिली, सिगरेट्स मिली, कॉन्डम के पैकेट्स मिले, मतलब और क्या क्या चीजें मिली जो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता। तो पता नहीं क्या क्या होता है इन गाड़ियों में, फिर लोग क्राइम करके चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं फिर छोड़ जाते हैं गाड़ियां लोग, क्योंकि वो गाड़ी रख नहीं सकते लोग। बनाया रशी ने आज, दिखाओ दिखाओ, ये रशी ने बनाया है। मैं इस घर में आया था ना, मैं सोचा था कि ऑफिस बनाएंगे अलग से ताकि शांति पूर्वक वहाँ काम कर सके और कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। यहाँ तो पूरा घर छोड़ के साला डिनर भी यहीं करते हो, सोते भी हो, चाय भी यहीं पीते हो, सब ये भाई साहब यहीं हैंग आउट करते हैं। रितु ने बनाई है आज इडली, जो इडली सांभर चटनी है, लेकिन चौकोर इडली बनने का राज कुछ और है। पापा 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 आलू चाहिए, मेरे को आलू चाहिए। पहले मम पढ़ाई करके आ जाओ, आपका सिलेबस बचा हुआ है ना, होमवर्क बचा ना आपका? अच्छा लगा आपको? चलो अब रशी का न्यू गिफ्ट खोलेगा। खाना फिनिश करना पड़ेगा, पहले खाना फिनिश करना पड़ेगा। सुबह से लोग इडली खा रहे, इडली बनिया, तीसरा टाइम है इडली खा रहे, ऐसे पेट में खमीर उठेगा ना, सब देखना पेट फूले होंगे। This is Rashi's new game. ये है Wonder Sand, इसको Magic Sand भी बोलते हैं, मैंने ऑर्डर किया, इसमें बड़ा वाला भी है, इसमें वो सिपिया भी है बनाने के लिए। आई एम मोर एक्साइटेड टू ओपन दिस बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग रहता है, और इसको जो काटते हैं ना, दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग साउंड, इसको काटने जाती है ना जो, बट इसको यहाँ नहीं करने को, यहाँ गंदगी जाएगी। वी आर प्लानिंग टू गो डाउन, थोड़ी धूप कम है, यहाँ गंद मचाएंगे। मैं कर लेता हूँ, नहीं नहीं कम 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 कम, सीटियाँ मार रहा है, आ माओ चलो बैठ। तो टुडे आई एम प्लानिंग टू गिव हिम अ शावर विदाउट जी, ये होपफुली भागे ना, बंद कर देते हैं इसको। और आज हम माओ के लिए यूज करेंगे स्पेशल चारकोल वाला साबुन, साबुन से नहाएगा। चला रही थी तो हमारे घर में 2 मग्गे थे, एक तो माने चबा दिया, दूसरा भी ये लगता है तोड़े थे, हैंडल तोड़ देता है। कितना खुश है, मैंने देखा डॉग जैसे घबराते नहाने से, इसकी पूंछ देखो 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 देखो,
अरे भागना नहीं है, सोप लगा पहले, सोप लगा अच्छे से, ये देखो। अरे भाग जाएगा उसको, जल्दी करो जा मेरा बेबी। वैसे आप टेल साफ करो, आपकी टेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ तुम लगा, चलो तेरा छोटे कपड़े में लगा हुआ है, शौक पूरा पापा ले ले। अब इट्स टाइम फॉर पॉटिफिकर, जाओ भाई हट जाओ। हाँ मेरी माता, मुझे कर दो, हो गया तुम्हारा, हो गया। अब मत डालो पानी यार, कितना डालोगी? अरे तुम काम बढ़ाती जा रही हो, मैं पाप वाइपर लगा रहा हूँ, पानी डालते पीछे से। सुबह नहा चुकी हो ना? मत कर बेटा, मेरे पर डालेगी, मेरे पर डालेगी। अंदर नहीं जाओ, पूरा घर गीला करोगे भाई। चलो चलो नाले, अभी जो भी नहाना है। होल्ड 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 योर इमोशंस, होल्ड योर इमोशंस। अरे कहेंगे इतने बड़े बड़े होने, तो दो दो डिब्बे ले रहे, कहते बच्चे चाय ले ले। जल्दी आओ, हर बार रास्ते में रेस्ट करती उठा था। तो गिरा तो नहीं ना? मेरा एड्रेस ऊपर है। कोई नहीं आएगा घर पे हमारे, कोई नहीं आएगा, बता रहा हूँ। अबे इसमें तो ग्लास है। अरे आपको क्या लगा क्या आया है? ओहो बेचारी रशी ने बहुत ही मेहनत की। अरे रशी इसमें गेम तो नहीं है बेटा आपका। तो ये है रशी का मोल्ड, ठीक है। ये है मैजिक सैंड। तो देखो मम्मा, मैजिक सैंड क्या होती है, ये सॉलिड बन जाएगी और लिक्विड बन जाएगी और कभी अपना शेप मतलब ऐसी रहेगी हमेशा। तो देखो तो फ्लो भी करती है, सॉलिड भी होता है। देखो देखो तो फ्लो रही है। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखा रशी इसको बनाते हैं। मोस्टली फेल हुए होता है। कोई बन गई, रुको पहले खड़ा कर दो इसको। अब उसको रशी ऊपर से ऐसे ऐसे उंगली मार, अरे जोर से मारो ऐसे। देखो ये देखो, मेरा भी दिल कर रहा है इसको देख के ना। ये देखो 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 अभी बिल्कुल सॉलिड लग रही है, बिल्कुल सॉलिड लग रही है। ऐसी गिरनी नहीं चाहिए बेटा, जैसे कई चीजों में मैं बताऊं क्या, मेरे को क्या, मेरे को याद आ गई। घंटे से क्या होती बता। आटा जब खराब हो जाता है ना थोड़ा, दो तीन दिन बाद का। ओ वाओ बना बना बना। हां बड़ा मुझे आई ड्रम है ना, कभी ड्राई नहीं होगी, कभी ड्राई सी रहेगी हमेशा, इसको वरदान है। अब अच्छी चीज है ना, तो हाथ गंदे हो रहे हैं, हाथ भी गंदे हो रहे हैं और ऐसे लग भी नहीं रही। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, सारी नहीं निकालो। बना रही कैसल और ये फिश बनाएगी, कैसल के अंदर फिश जाएगी हमारी। ये वाह वाह, हमको भी अंदर ला लो, मेरे कैसल से भग लो। क्यों भग ले, आसपास भी ना भटको, हम तो भटकेंगे। ओह नो नो नो, संभालोगे ना गिफ्ट तो पापा फिर और ला के देंगे। गुड गुड, अपनी बाइक से आज पापा, आप लोग गाड़ी ले जाओ, ठीक है। लेकिन इसकी पावर जबरदस्त है भाई, चढ़ान पे भी ऊपर भी जा रही है मस्त। ये देखो तीनों अकेले। अरे भाई साहब सॉरी सॉरी, लोड ले लेते हैं भाई डॉगी लोग। जितनी बार भी इसमें रुकते हैं ना तो लोग पूछ के इसका प्राइस पूछते हैं। तो हाँ पिछली बार तूने शायद 48 बोल दिया प्राइस का, इसका प्राइस 48 नहीं है, 70 प्लस है इसका प्राइस। और देखो आगे निकल गए भैया, कोई बात नहीं, सब हमसे आगे निकलो, सारे हमसे, पूरी दुनिया हमसे आगे निकल जाओ। कोई फोन है ना जेब में? हाँ हम चलेंगे अपनी लेन में, ये हमारी लेन है, हमारी साइड में बनी हुई है। भाई साहब भूख लग रही इस समय बताओ, लेकिन ठीक है जिम मैं प्रेफर करता हूँ, थोड़ा एम्प्टी स्टमक में ही जिम करूँ। मॉल देखो भाई रात को कितना सुंदर सजता, देखो। अरे अंकल आपकी तो नॉर्मल बाइक है, आप नॉर्मल सड़क पे चल लो, हमारे लिए ये लेन छोड़ दो। हाँ थैंक यू भाई, देख रहे भाई रिएक्शन देख रहे जनता के, मस्त लगती है। लेकिन पीछे से मुझे चौड़ा नहीं बैठा सकता, हाँ भाई कोई बंदा बैठा है, ताकि आपको रात को वो चौराहे की असली भसड़ दिखाई जा सके, एक इतनी भसड़ मचती है। ठीक लोगों ने बोला भी कौन सा चौराहा है वो, उसका नाम भी शायद भसूड़ी भसूड़ी चौराहा है। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, नाम भूल गया मैं, लोगों ने लिखा था कॉमेंट सेक्शन में, मैं भूल गया भाई। अंकल जी ये देखो फ़ोन में बिजी हूँ, एक हाथ से फ़ोन कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैं गाड़ी चलाता हूँ सड़क पे ना, तो मुझे क्लियर हो जाता है सामने वाले की चलाने के स्टाइल से कि वो फ़ोन पे है या नहीं। मतलब सामने रोड पूरी खाली पड़ी होगी, लेकिन वो गाड़ी आराम से चला रहा होगा वो फ़ोन पे।
ये देखो मेरे बगल में गाड़ी चला रहा है, ये मेरी गाड़ी पक्का चेकआउट कर रहा है, मुझे तो कर नहीं रहा होगा, गाड़ी को ही कर रहा होगा। अच्छा जानते थे क्या? शायद जानते थे भाई। सब मुड़ के देखते हैं भाई, देखो नो ओवरटेकिंग का साइन भी आ गया जो कि हमारे लिए बेइज्जती है। सब निकलो हमसे आगे। अरे भाई साहब ये पत्ता का लगा दिया उन्होंने यहाँ पे, नीम का पत्ता भाई, पीछे जाते हुए लोगों को थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। बीच में हम रुक के एक जगह रेस्ट करते हैं, आपको पता है जहाँ पे ट्रेन की पुलिया है, क्योंकि पूरा डिस्टेंस एक बार में कवर करना बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता है। गोमती नगर तो आगे होगा। ये देखो ये भी भाई रेस्ट करने लगता है, आई थिंक इज ऑल्सो रेस्टिंग। अच्छा आंटी है अपनी जगह आ गई, अपनी जगह आ गई, रेस्ट करने वाली। अंदर ले लेंगे यहाँ से। अरे हम लोग आज आगे निकल आए क्या? अरे दोस्तों, अरे ये क्या हो गया? यहीं से काट देते, रुको ये बाइक का फायदा, देखो बाइक के फायदा तो दिखाएंगे, यहाँ से हम काट रखते हैं। पीछे चेक कर लेते, कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सह लेंगे। ये हमारी जगह आ गई रेस्ट करने वाली। बाइक इलेक्ट्रिक बाइक है, हाँ है, 70 बढ़िया है ना। यू बोर्ड। अरे गला फट गया भाई, अब रहने दे। चिल्ला चिल्ला के परेशान। अरे भाई साहब यहाँ थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे यार। अरे राम, हो यहाँ स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ा सा। अबे इसकी ये निकल आई क्या? हाँ देखो भाई, लेकिन ये है भाई, सब लोग रुक रुक के पूछते हैं भाई क्या है, क्या चीज़ है। मेन चीज़ है ये चौड़े टायर बहुत। चलो भाई अब तुमको दिखाते हैं वसूली क्या होती है, आ जाओ यहाँ पे। ये वही वाला चौराहा आ चुका है जहाँ पे ब्लैक होल है। अगर ट्रैफिक कम होगा तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, अदरवाइज भसूड़ी के मजे पूरे दिलाएंगे आज। ये देखो बंद हो जाता है। अब ये दोनों पुलिस ने ये बैरिकेड लगा रखे हैं, इनका क्या काम है आप बताइए कमेंट करके, क्या काम हो सकता है इनका। वैसे तो लोग यहाँ से पिलते रहते हैं, तो एक तो यहाँ भसूड़ी बनती है गुरुगुरा ट्रायंगल। ये देखो छोटे वाले साइकिल भी ले आए इनको, पैदल चलो सीधे, तो पैदल ही चलोगे भाई। ये देखो लोग आते हैं उल्टा। अब यहाँ से लोग इधर भी कटेंगे, हमें उधर कटना है, तो मतलब डिसीजन किसको कहाँ करना है ये आपकी ट्यूनिंग हर बंदे से होनी चाहिए कि वो क्या सोच रहा है और आपको आप क्या सोच रहे हो, तो उसके हिसाब से मैनेज होना चाहिए। आजकल तो ट्रैफिक कम है यहाँ पे, ये देखो इनको उधर कटना था अलग से। मतलब बहुत सारी गलियाँ भाई, तो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो किसको कहाँ कटना है लोग अपना बस ट्यूनिंग होती है। ये विदेशियों में कला नहीं है, ये कला हम भारतीयों में ही है। एक दूसरे को माइंड को मीट करते हैं, उनकी गाड़ी का एंगल और स्पीड से हम गैस करते हैं कि वो 10 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, वो हमारा माइंड कैलकुलेट करता है, उसके साथ से अपना एक्सीलेटर छोड़ते हैं, अपनी गैस छोड़ते हैं, और वो हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं उस हिसाब से। ये देखो आंटी लोगों को ये नहीं कि घर चले जाके बात करें, यहीं पर सड़क पर। अब देखो ये भसूड़ी, मतलब बाइक से कम भसूड़ी यार, बाइक से आराम से निकल जाते हैं, मतलब यहाँ तो इतनी टेंशन होती है यहाँ से निकलने में। चलो 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 यार, नारियल पानी पी लेते हैं, लेकिन आज पैसे नहीं लाए, शिट। चला जा, ये हम लोग कॉलेज में करते थे मोस्टली। अरे इसकी मारी तेरी सीट से। कॉलेज में जब लड़के जो है ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ गया ना डिफेंस के साथ जाते थे, तो साइकिल में कभी बैठ के चलाते नहीं थे, क्योंकि उससे रास्ता जल्दी कवर हो जाएगा, तो टाइम कम मिलेगा स्पेंड करने को। अरे एक साल बाद समझ में आया, ओ दिस इज टू इंक्रीज द टाइम टी। हम तो जल्दी जाते हैं कॉलेज में, मस्ती करेंगे, लॉन्डी लपाटे अपना वेट कर रहे हैं। चलो भगाओ गाड़ी, साइकिल पेडल मारो फटाफट। वो वहाँ कच्चे रह गए गाइस, वहाँ पे हम थोड़ा कच्चे खेल गए, मतलब कोई नहीं, लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अरे यार ऋतु को जूस सही होता है, मैं ही से ले जाया करूँगा, तो मिलता है सही जूस। चलो चलो अंकल की बाइक बंद हो गई, इसी कहते हैं इलेक्ट्रिक ले लो अंकल। अरे सॉरी गाड़ी बंद करने का भी टेंशन नहीं है, पेट्रोल तो लग ही नहीं रहा, एक बार चेक कर ले। चलो भैया फोन तो जिम में डाला ही नहीं, अरे लेट होगा, सॉरी। अरे मेरे को जिंदगी में सबसे बड़ी बेइज्जती लगती है कि सिग्नल ग्रीन हो रहा है आप बाद में निकले, सबसे बड़ी बेइज्जती मेरे को लगती है जिंदगी में, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स टाइम काफी क्विक रहता है सिग्नल पे। चलो चलो मितवा, अरे रुक, अरे ओए लो। अरे भाई साहब ठंडी बियर पी रहा, वाह यहाँ सिर मारते हैं लेफ्ट। अरे हमारी क्या किस्सा, खराब किस्मत है भाई, जब हम गाड़ी से आते इतना जाम होता जब हम बाइक से आते तो जाम खाली मिलता है। जाओ ना भाई, हमने मना किया क्या? अरे लाइट, अरे गौ माता भी डर गई। लाइट सी कम है, लाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो बंद हो गई, ये चालू हो गई, मतलब हाँ DX है, बट अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो दिक्कत है। हाँ बट लेकिन एक ही बैटरी में कितना खींचोगे भाई, बत्ती सी जगह से निकालते हुए ग्रेट सक्सेस। ये देखो ये लाइन जो लगी ना गाइस, ये मैं कह रहा हूँ ये इतने पीछे लग सकती है ना CNG चक्कर में, बहुत लंबा, जिस दिन बारिश हो जाए तो पूछो ही ना। उतर जाते हैं, हाँ ठीक है, बैटरी निकाल लें क्या? होम ऋतु ने मेरा खाना बना के रखा है, तो खाना खाएंगे और उसके बाद अब करते हैं पढ़ाई। ऋतु सोच रहे कि क्योंकि देखो भाई मैं तो उठता हूँ 9:30-10 बजे आराम से, ऋतु को उठना पड़ता है सुबह, रश्मि को नहलाना पड़ता है, फिर उसको स्कूल कराती, तो शी गेट्स रियली टायर्ड, तो शी स्लेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और लाइफ इंजॉय करें, बुरा टाइम आता है उसको भी हंस के निकाल दें। 5-6 साल बाद देखेंगे ना, अरे क्या सही टाइम था, उसको भी हंस के निकाल दिया, यादें बन जाएंगी। बाय।